हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये मेरा एक और वीडियो मैं बना रही हूँ अपने फेस के ऊपर। बनाऊंगी मैं कि बर्थडे से पहले मैं फेस पे क्या क्या लगाऊंगी। ऐसे तो एक ही चीज़ लगाऊंगी, एनिवर्सरी भी आ रही है तो तब भी कुछ लगाना है, राइट? तो उसके लिए अलग वीडियो जो है मैं शूट करके पोस्ट करूँगी। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको कि मैं अपने फेस पे क्या लगाऊंगी अपने बर्थडे से एक दिन पहले। गाइस, मैं अपने फेस पे लगाऊंगी ये एलिमेंट्स वेलनेस की तरफ से बॉडी पॉलिश जेल। यस गाइस, बॉडी पॉलिश जेल। ये एक ऐसा बॉडी पॉलिश जेल है जो आपकी स्किन को इतना ग्लोइंग कर देगा, आपको कुछ भी नहीं लगाना, सिर्फ एक बॉडी पॉलिश जेल लगा करके ही आपकी स्किन जो है वो ग्लो कर सकती है। और सबसे इसका बेस्ट पार्ट जो मुझे लगता है वो ये है कि इसकी क्वांटिटी बिल्कुल इतनी लेनी है जितना एक चना होता है, छोटा चना जो हम खाते हैं, सिर्फ उतनी ही इसकी क्वांटिटी आपको लेनी है। पानी की हेल्प से इसको पूरे स्किन पे फैलाना है, एंड दैट्स इट। और एक और बात जो मुझे इसकी अच्छी लगती है, सिर्फ हफ्ते में एक ही बार इसको यूज़ करना है। ये मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगती है इसकी कि ऐसा नहीं है कि दो तीन बार आपको लगाना है। हफ्ते में एक बार अगर आप इसको यूज़ करेंगे अपने फेस पे जो है, तो आप पूरा हफ्ते के लिए आपकी स्किन जो है ग्लो करेगी, चमकेगी। सेकेंड थिंग, इसको हम एज अ बॉडी वॉश भी यूज़ करते हैं, कर सकते हैं। मैं करती हूँ इसको रेगुलर, लास्ट 6 मंथ से मैं इसको ट्राई कर रही हूँ। इसको एक दिन छोड़ के एक दिन आपको बॉडी पे लगाना है। सोप की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसका जो फ्लेवर है वो ऑरेंज फ्लेवर है, काफ़ी अच्छी खुशबू आती है। तो अब मैं इसको लगा कर दिखाती हूँ कैसे लगाना है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये बॉडी पॉलिश मैं आपको बताऊँगी कैसे लगाना है। सबसे पहले मैं अपने जो है फेस को वॉश कर लूँगी। फेस को पूरा गीला करने के बाद नेक मत भूलिएगा, नेक बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसकी क्वांटिटी मैं बताती हूँ कितनी लेनी है। बस ये भी ज़्यादा आ गई, इससे भी कम क्वांटिटी आपको लेनी है। और अपने फेस पे फिंगर की हेल्प से इसको राउंड राउंड ऐसे रब करना है, आईज से बचा करके। देखिए, खुशबू तो मुझे बहुत अच्छी लगती है इसकी। इसको ऐसे हम पूरे फेस पे अप्लाई कर लेंगे, नोज़, फोरहेड। इससे आपकी जो टैनिंग है वो सारी रिमूव हो जाएगी और आपकी जो डेड स्किन है वो सब निकल जाएगा। देखिए, मैंने पूरे फेस पे लगा लिया है अच्छे से। ज़्यादा क्वांटिटी, बिल्कुल थोड़ी क्वांटिटी लगती है, पूरे फेस पे ऐसे फैल जाएगा ना पानी की हेल्प से। अगर खाली से इसको लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा लगेगा। ये देखिए, ये सारा मैंने लगा लिया अच्छे से अपने फेस पर, आईज के नीचे, नोज़ पे, हर जगह आपको लगाना है। जहाँ आपकी डेड स्किन है वहाँ पर तो बिल्कुल लगाना है। जितने टैनिंग है सब ख़त्म, कुछ भी नहीं बचेगा। मैंने अच्छे से इसको लगा लिया है। अब मैं इसको 30 मिनट्स के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी, इसलिए मैं इसको हमेशा संडे को करती हूँ, क्योंकि वर्किंग डेज में ये पॉसिबल नहीं है कि आप 30 मिनट्स के लिए ऐसे ही घूम, बट संडे को आप घूम सकते हो। तो नहाने से पहले, नहाने के बाद, जब लगाना चाहे लगाएं, मर्जी है। 30 मिनट्स के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दूँ, उसके बाद बताती हूँ क्या करें। तो गाइज़, हमारे 30 मिनट्स पूरे हो चुके हैं, तब तक मैंने अपनी नेल पेंट हटा ली थी। तो अब बताऊँगी आपको कि कैसे इसको हटाना है। हाथ गीले करें, देखिए प्रॉपर हाथ गीले करके, और स्क्रब की तरह ऐसे धीरे धीरे ऊपर की तरफ अपनी स्किन को रब करें, ऐसे थोड़ा और हाथ गीला करेंगे। इसमें छोटे छोटे दाने हैं जो आपकी जो डेड स्किन है उसको निकाल देते हैं। ये देखिए, अच्छे से अपना स्क्रब करेंगे जहाँ पे आपको डेड स्किन लग रही है या फिर ब्लैक हेड्स लग रहे हैं, वहाँ पर आप इसको जो है यूज़ करेंगे। थोड़ा और मैं पानी ले रही हूँ फोरहेड के लिए अच्छे से। जैसे मेरे पहले फोरहेड पे जो है डेड स्किन थी, यहाँ पे ब्लैक ब्लैक हो जाता था, इधर इस एरिया में ये पार्ट ब्लैक हो जाता है। तो जब से मैंने ये यूज़ करना स्टार्ट किया है, तब से मेरा सारी जो टैनिंग है वो पूरी रिमूव हो गई है। आइस से थोड़ा बचाकर, क्योंकि आँख में चल जाता है तो दर्द होता है। और सबसे बेस्ट पार्ट है कि ये नेचुरल है, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई हर स्किन टाइप के लिए है, चाहे आपकी स्किन ऑयली है या फिर ड्राई है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपकी ऑयल को भी कंट्रोल करता है, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो उसको मॉइस्चराइज करता है। 1 से 2 मिनट के लिए जो है ऐसे हाथ गीला करा अपना, और पूरे फेस पे जो है इसको स्क्रब की तरह यूज़ कर, जैसे फेशियल करते हैं ना वैसे हमें करना है।
इसकी रेगुलर यूसेज से आपको फेशियल की भी ज़रूरत नहीं है। फेशियल ब्लीच कुछ नहीं कराना, सिर्फ ये चीज़ें यूज़ करनी है। ऐसा नजर आएगा आपको, देखिए छोटे मोटे जो दाने हैं वो तो देखो सबके फेस पे होते हैं, हर किसी की स्किन एकदम साफ नहीं होती है, मेरी तो बिल्कुल नहीं होती है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, जो मैंने मेरा लास्ट वीडियो पोस्ट लास्ट टू लास्ट सेकंड वीडियो जो मैंने पोस्ट किया था उसमें स्पिरुलिना कैप्सूल के बारे में मैंने आपको बताया था। उस वीडियो में देखिएगा मेरे राइट साइड पे यहाँ पे दो वाइट कलर के हेड्स, वाइट हेड्स हैं यहाँ पे दो। और जो मैंने वैलेंटाइंस डे वाला वीडियो शूट करके पोस्ट किया था मेकअप का, उसमें आप देखेंगे यही राइट साइड पे जो है मेरा जो वाइट हेड्स है वो नहीं है। यानी जब मैंने अपना प्रोसीजर ख़त्म कर लिया, सारा पैक वैक लगा करके उतार लिया, उसके बाद मैंने अपने वाइट हेड्स निकाला, वो बहुत इजीली निकल गए, जो कि नहीं निकलते हैं। आप सब जानते हैं वाइट हेड्स निकालना बहुत मुश्किल है, तो ये करते हैं अपने वाइट हेड्स निकाल कर। एक रहता है मेरा इस साइड, यहाँ पे देख सकते हैं आप उधर है, वो भी निकल रहा है, जब दोबारा पैक लगाऊंगी। तो गाइस इसको अच्छे से रब कर लिया है मैंने एक मिनट के लिए, अब अपना जो है फेस वॉश कर लूँगी। ठंडा पानी लेना है, लूकवॉर्म वाटर नहीं लेना है। पूरी स्किन को अच्छे से साफ कर लीजिए अपने को, और कुछ फॉर्म वॉर्म की भी जरूरत नहीं है, हाथ से सब कुछ हट जाएगा। अपना टॉवल लेकर के फिर हम रब नहीं करना है, स्किन को कभी रब मत करिएगा, और अपना पोंछ कीजिए इसको अच्छे से। उसके बाद जो है अपना मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाइएगा, मॉइस्चराइज़र लगाना ना भूलें। ऐसे नहीं बॉडी पॉलिश चले तो मॉइस्चराइज तो करता है स्किन को, ऐसा नहीं है, मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छा करता है अपनी स्किन को मॉइस्चराइज, बट मॉइस्चराइज़र लगाना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो देखिए मेरी स्किन आपको दिखाती हूँ एक मिनट, और लगाएंगे मॉइस्चराइज़र। ये देखिए मेरी स्किन है, ग्लो बहुत प्यारा आता है गाइस। अब मैं अपना क्रीम लगाऊंगी मॉइस्चराइज़र, फेयरनेस क्रीम जो मेरी मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ, और पेट्रोलियम जेली ये वाली जो मेरी लास्ट वीडियो में मैंने दिखाई है आपको, जो मैंने लिप्स के लिए यूज़ करी है, यही क्रीम मैं फेस के लिए भी यूज़ करती हूँ। इन दोनों को मिक्स करेंगे अच्छे से, और आप इतनी भी स्किन पर इसको आप अप्लाई करेंगे, आईज पर भी लगाए। और अपनी स्किन को ऊपर की तरफ रब करें, नीचे नहीं करना है ऊपर करना है, और थोड़ा सा टाइट हाथ, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, जिससे कि जो आपकी स्किन है वो खिंची खिंची रहेगी, मतलब लटकेगी नहीं। जैसे फेशियल करते हैं मसाज करते हैं, इसी तरीके से आपको मसाज करनी है आपके फेस को स्किन इस मॉइस्चराइजर लगाते वक्त, ताकि आपकी जो स्किन है उसके अंदर क्रीम अच्छी से चली जाए। नेक पे भी हम ऊपर की तरफ करेंगे, नीचे की तरफ नहीं करेंगे, ताकि जो हमारी स्किन है वो स्ट्रेच रहे, नीचे की तरफ करेंगे तो लटक जाएगी। टाइम लगता है थोड़ा सा, जल्दबाजी में नहीं करना है कि भाई फटाफट फटाफट कर लिया और हो गया, नहीं, टाइम देखकर, पूरा टाइम देखकर के ही आपको जो है स्किन करनी है। देखिए आप देख सकते हैं मेरी स्किन बिल्कुल नेचुरली ग्लो कर रही है। और फ्रेंड सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि हफ्ते में एक दिन तो लगाना है, और इतनी क्वांटिटी भी नहीं लेनी कि भाई बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है या फिर कुछ भी है, छोटी सी चीज़ लेनी है, छोटी सी क्वांटिटी, थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी है, सिर्फ जितना जितना लेना है जो भी कुछ लेना है, और आप बिल्कुल डायमंड की तरह चमकोगे। आई नो ये मैंने लास्ट वीडियो में अपने जो कैप्सूल वाली वीडियो में भी बोला था, बट हाँ गाइस ये सच है, ये छोटी छोटी चीज़ें यूज़ करके जो है आप स्किन को नेचुरली ग्लोइंग बना सकते हैं, आपको मेकअप की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड वन मोर थिंग लास्ट में बताना चाहूँगी आपको कि इस बॉडी पॉलिश जेल के इतने ज़्यादा ज़बरदस्त फ़ायदे हैं, मैं धीरे धीरे एक एक करके आपको सभी बताऊँगी। नेक्स्ट वीडियोज़ जो मैं बनाऊँगी वो इसी के ऊपर बनाऊँगी, तो स्टे ट्यून्ड गाइस,
ध्यान रखिएगा अपना, यू नो जैसे जैसे मैं बोलती जाऊँगी बिल्कुल वैसे वैसे आपको करना है। और अगर आपको ये किसी को चाहिए कहाँ से लिया जो है, मैं आपको सब बताऊँगी, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको भी बॉडी पॉलिश जेल चाहिए तो। और इसके मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप अभी मुझे कमेंट करके बताइए, मेरी जो नेक्स्ट आने वाली 2-3 वीडियोज़ हैं उनमें मैं आपको पहले इसके रिजल्ट दिखाऊंगी, इसके इफेक्ट्स बताऊंगी क्या क्या है क्या क्या नहीं है, उसके बाद ही आप मुझे बताइएगा अगर आपको ये चाहिए बॉडी पॉलिश जेल तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी आप कहाँ से इसको ख़रीदें, या फिर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं जहाँ से मंगवाती हूँ वहाँ से मैं आपके लिए भी मंगवा दूंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। स्पिरुलिना के भी मेरे पास 2 ऑर्डर्स आ चुके हैं, मैं वहाँ पर डिलीवर भी करवा चुकी हूँ उसको, तो उनको भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले हैं तो तभी तो उन्होंने मंगवाए हैं। तो यस गाइस, दिस इज द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेगा मेरे चैनल को। सी इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय बाय, सी यू।